ये है प्रॉफिटपुर। पिछले कुछ दिनों में यहाँ इतने बदलाव हुए कि इस शहर का नाम सामान्यपुर से प्रॉफिटपुर पड़ गया। जमीन से जुड़े लोग जमीन से 2 फीट ऊपर आ गए और 2 फीट पे रहने वाले 2 फीट और ऊपर। सिंगल डोर हो गया डबल डोर और बाइसिकल हो गई मोटरसाइकिल। खुले मैदान मकानों में बदल गए और फर्स्ट फ्लोर का प्रमोशन हो गया। कुछ ही महीनों में पूरा शहर ही अपग्रेड हो गया। सवाल ये है कि आखिर ये शहर ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हुआ कैसे? दरअसल एक नौजवान ने थोड़ा हटकर सोचा और ले आया महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक। फिर क्या, होने लगी पैसों की बारिश। देखते ही देखते हर घर में सिर्फ महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक का डंका बजने लगा और होने लगा लक्ष्मी जी का वास। तब से लेकर आज तक प्रॉफिटपुर में सिर्फ प्रॉफिट ट्रक का ही दबदबा है। अरे भाई, जब एक मिनी ट्रक से इतना फायदा होगा तो उसे प्रॉफिट ट्रक ही कहेंगे ना। और महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक वाकई में प्रॉफिट ट्रक है। अब स्टाइल को ही ले लीजिए, ये अव्वल है। ये देखिए महिंद्रा की पहचान इसका जबरदस्त फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश हेडलैम्प्स जो भरपूर रोशनी देते हैं, फ्रंट नोज डिजाइन जो ड्राइवर को सुरक्षित रखने के साथ साथ जान भी बढ़ाए, 850 किलो पेलोड, 38 स्क्वायर फीट का कार्गो बॉक्स, मजबूत शीट मेटल और पीछे लगे 7 लीफ स्प्रिंग यानी ज्यादा लोड उठाने की क्षमता ताकि कमाई हो ज्यादा। चलिए ड्राइव पे निकलकर खुद ही देखा जाए, परफॉर्मेंस में भी ये अव्वल है। 26 HP पावर वाला दमदार TI इंजन है और 55 NM का टॉर्क ताकि कहीं भी जा सके। इसमें है अत्याधुनिक फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसके पावर मोड से आप ज्यादा लोड उठाकर ज्यादा कमा सकते हैं। इको मोड से होती है ईंधन की बचत। औरों की तरह सुप्रो मिनी ट्रक रोज रोज पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटता। 23.17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज जिससे कम ईंधन में काम हो और 4 साल में लगभग 225,000 रुपए की बचत, अभी तो ये कहलाता है प्रॉफिट ट्रक। अब इतना कुछ होगा तो महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक से होने वाला प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा ना। और जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लाइफस्टाइल भी बदलेगी। क्यों, अब तो यकीन हुआ ना कि महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक ज्यादा माइलेज और ताकत वाला प्रॉफिट ट्रक है। आप भी ले आइए प्रॉफिट ट्रक, महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक। बदलाव का मौसम आया है, नई उमंगे लाया है, एक कदम उठा था कल आज और एक कदम बढ़ाया है। जहां पहली वो कमाई से बच्चों की पढ़ाई तक, नए बिजनेस से लेके शादी की शहनाई तक, चुनौतियों से जूझती जीत की बधाई तक। Here with you, for you, to hold you, be beside you, हम हैं हमेशा, हम हैं हमेशा। Here with you, for you, to hold you, be beside you, हम हैं हमेशा, हम हैं हमेशा। बढ़ते रहने दे उनके इन सपनों का कारवां, बस जाने दे बुलंद हौसलों का जहां, क्योंकि हर कोशिश से कामयाबी तक, जीत से गूंजती हर वादी तक।
के इरादों से कल को दिए वादों तक. Here with you, for you, to hold you, be beside you. हम हैं हमेशा. Here with you, for you, to hold you, be beside you. हम हैं हमेशा. हम हैं हमेशा. जब ढूंढते हो वो मंजिल जो मिल जाए हर मोड़ पर. कदम बढ़ेंगे गर्व से, खुशियां होंगी हर छोर पर. क्योंकि हर जिम्मेदारी से उसकी तैयारी तक. आज उनसे और कल उनकी पीढ़ी तक. आज है कल है हमेशा. Here with you, for you, to hold you, be beside you. हम हैं हमेशा. हम हैं हमेशा. Here with you, for you, to hold you, be beside you. हम हैं हमेशा. हम हैं हमेशा. StarSports.com. Online cricket like never before. Enjoy streaming with timeline, video scoreboard and social connectivity. Get off your couch and get in the game. Who's next? यार, अपने देश में खेती के लिए भी टेक्नोलॉजी है क्या? मुझे नहीं लगता यार. बेटा, पर यार टेक्नोलॉजी तो है. अंकल, जीते रहो जीते रहो. कौन सी टेक्नोलॉजी बाबा? विदेशी बोल और देसी जानकारी घोल. आओ मिलवाता हूँ तुम लोगों को टेक्नोलॉजी से. चलो. अरे माधव जी नमस्ते. नमस्ते गुप्ता जी. नमस्ते गुप्ता जी. इन बच्चों को खेत और खेती से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए. क्यों नहीं, आइए इनसे मिलिए. ये है महिंद्रा सेल्स के जीनियस ब्रेन जतिन. अब आपसे क्या छुपाना, कुछ लोग नकल में सेम टू सेम डिट्टो ट्रैक्टर ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं. जतिन, किसानों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. पर जरा सोचिए, टीवी चैनल से लेकर नेता चुनने तक का ऑप्शन है, तो किसानों के पास भी ऑप्शन क्यों ना हो. महिंद्रा ने नए अभियान के तहत 4 कदम उठाए हैं जिससे यह बिल्कुल मुमकिन है. आखिर तभी तो किसान टेक्नोलॉजी से तरक्की करेंगे. जिंदगी में सलाह की जरूरत हर किसी को पड़ती है, इसीलिए हमारे अभियान के तहत हमारे पहले कदम का नाम है कृषि सलाह. अब किसान अपनी खेती, मिट्टी, फसल के अनुसार टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने ट्रैक्टर का सुझाव पा सकते हैं. इसके साथ ही वो अपने खेती के अनुसार उपयुक्त औजार, फाइनेंस
या एक्सचेंज और कृषि से संबंधित सारी जानकारी भी पाएंगे। तुझे क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच में मुमकिन है? अरे ये तो बस शुरुआत है, महेंद्रा का दूसरा कदम तुम लोगों को और भी हैरान कर देगा। जतिन जरा बताइए इनको। हमारे दूसरे कदम का नाम है टेक्नोलॉजी वाला डेमो। इसमें ट्रैक्टर पर एक किट लगाया जाता है जिसमें फिट सेंसर्स और कैमरा बताते हैं कि खेत में ट्रैक्टर कितनी अच्छी तरह काम करेगा। इससे हमारे किसान ट्रैक्टर खरीदने से पहले ही ट्रैक्टर को खास मापदंडों पर परख कर अपना फैसला ले सकते हैं। जतिन इस अभियान के तहत तीसरे कदम के बारे में तो बताइए। चॉइस के बिना लाइफ कभी नाइस नहीं बनती, इसलिए हमारे द्वारा उठाए गए तीसरे कदम का नाम है फीचर की चॉइस। किसान चुनेंगे अपने काम में आने वाले औजारों और अपने खेत के अनुसार ट्रैक्टर के उपयुक्त हॉर्स पावर। और अंत में आता है हमारे अभियान के तहत उठाया गया चौथा कदम जिसका नाम है 2x2 सर्विस। 2x2 सर्विस, इससे किसानों को क्या फायदा? अब बस 2 घंटे में हम ट्रैक्टर की नियमित जांच कर ट्रैक्टर आपके हवाले कर देंगे। और अगर कोई बड़ा काम निकल आया तो 2 हफ्ते लगेंगे क्या? हफ्ते? ट्रैक्टर की बड़ी सर्विस पूरी होगी सिर्फ 2 दिनों में। और तो और, सर्विस 2 घंटे की हो या 2 दिनों की, ट्रैक्टर की सर्विस पूरी होते ही आपको SMS द्वारा जानकारी भी दे दी जाएगी। वाह, मतलब जितने जल्दी ट्रैक्टर होगा ठीक, किसान कमाएंगे मुनाफा अधिक। बिल्कुल ठीक, यही तो मकसद है हमारा, क्योंकि हम किसानों के समय की इज्जत करते हैं। इन सब उठाए गए कदमों के अलावा क्या आपको नहीं लगता किसानों के पास टेक्नोलॉजी में एडवांस ट्रैक्टर भी होने चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ। हमारे अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल अर्जुन नोवो ट्रैक्टर ने आज देश विदेश में धूम मचाकर खेती के अंदाज को बदल कर रख दिया है। इसकी अद्भुत टेक्नोलॉजी ने नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारे युवराज 215 और महिंद्रा ऑर्चर्ड 245 ट्रैक्टर के साथ तो किसान छोटे खेत ऑर्चर्ड जैसे अंगूर अनार सेब आदि की खेती जैसे कई काम कर सकते हैं। वाह सच यार, इस टेक्नोलॉजी से तो हर कुछ मुमकिन है। इसके साथ किसान खुद फैसला कर सकते हैं और सारी जानकारी उंगलियों पे पा सकते हैं। मुझे तो लगता है आपके इस अभियान के जरिए हम एक ऐसे उज्जवल भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे किसानों के समय और उनकी हर कोई इज्जत करेगा। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? टेक्नोलॉजी के जरिए खेत में सोना उगाने आज ही अपने डीलरशिप जाओ और टेक्नोलॉजी से तरक्की करो। Does it take to build the most reliable trucks in India? A deep understanding of Indian road conditions. A deeper understanding of truckers. ज्यादा पावर मतलब डिलीवरी टाइम पे। सस्पेंशन अच्छा हो तो बदन दुखेंगे। चढ़ाव पे कोई दिक्कत ना हो। पॉलिश तो जरूरी है। बार बार ब्रेक तो बड़े ही परेशान हो गए। The
insights from this study has led to the creation of products and a brand dedicated to India. Bharat Benz. At Bharat Benz, our commitment to India is complete. We manufacture trucks with high standards of reliability, efficiency, and performance that set a new benchmark in the industry. First, we ensure that our design and manufacturing processes meet the stringent standards required for this demanding environment. Then we put the trucks through rigorous testing on a one-of-its-kind, state-of-the-art test track, specially built to simulate the toughest Indian roads. The super-elevated test track resembles a high-speed expressway. This tests the ability of the engine and gearbox in different speed and load conditions to deliver best-in-class performance. In the rough and cobbled track, the truck undergoes various tests to check for high durability and to ensure that it performs reliably on the toughest of terrain. Another set of tests the truck undergoes is on the specially created articulation track. This tests the strength of the suspension, chassis, and stabilizers to ensure maximum stability. The pothole track rigorously tests the performance of the axles, suspension, and cab mounting, and their ability to withstand huge shocks. At the water trough, the performance of the truck in waterlogged conditions and heavy rains is tested. Finally, the trucks go on to the inspection ramp, where after each cycle of testing, dedicated engineers thoroughly scan the trucks with over 70 checks. Even the smallest variations found are rectified to ensure consistent performance of the trucks. Bharat Benz trucks have completed lakhs and lakhs of kilometers of testing, ensuring that the full range of products deliver the highest standards of performance in terms of efficiency, reliability, and durability in the most demanding operating conditions. At Bharat Benz, testing is not a process. It is the extension of a 115-year-old commitment, enabling customers to make on-time deliveries every time, making them truly competitive and their businesses even more profitable. Bharat Benz, the most reliable trucks
that deliver best-in-class performance so you can power ahead. Started in 1995, we started a very small office, Nausari building, where Uday's family business was being run. At certain points of time, there are belts of cotton which were kept in our part of the office, and we have negotiated deals sitting on the belts of the cotton. It was the year 1994, and the Economist had arranged a conference in New York. You know, India was just opening up, and Uday and I had gone for the conference. We were standing in one of the large offices and looking at Wall Street. And you had Goldman Sachs, and you had all the big buildings. And he said, one day, we need to sort of, you know, build an institution that will have a building like this and will look like this. I remember that and said, when I look at BKC and Guregaon, we've come a long way. We've realized part of the dream, but we still have a long way to go. The key milestones I will say in my mind are the joint venture with Goldman Sachs, joint venture with Ford Credit, and finally be getting the license for SA Bank. 96 to 99, out of 4,000 plus NBFCs, I think 99% of the NBFCs died. In the meltdown, for example, both earlier and in the recent one, we would have slowed down possibly faster than the others, and when it was time to accelerate, we would get there. So I think to assess the risk and do something which is in the long-term interest of the organization is something which has driven us. It's not the next quarter or the next year, something which is going to be for the good health and value creation of the firm. That's what has been always the driving force, and that's helped out. I find that there is a sense of ownership across the length and breadth of the organization. You can see for yourself the blend of entrepreneurial energy and professional mindset. All our conservatism, differentiated risk-taking, our apolitical organization, everything stems out of the way in which we run. Kotak almost is operating, and over the years, as a platform which provides people with different skill set to show their entrepreneurial spirit. Getting the banking license and setting up the bank was one of the most exciting things I did in Kotak. I think the process of institutionalization really gained momentum after we got a bank. We could have done it in 1994, but perhaps we were young. But in 2003, to think about it and seize the opportunity when no one else really wanted to do it, is really stands out as a vision and visionary thought. Somebody who had invested 100,000 rupees with Kotak at the start of the company, which is 1985, would have been worth about anywhere between 400 and 500 crores today. Evolution of Kotak Mahindra has, in a sense, gone along with the evolution of the individual Uday Kotak as well. I have seen Uday grow dramatically over these last few years, where I think he has built an organization with a vision which has really gone beyond even, I would say, he is thinking far beyond even his lifetime. Kotak Mahindra has won a lot of awards, but I would say this stands out. This makes every single employee of Kotak Mahindra being proud about it. I think the EY win is a global recognition of the fact that we have really arrived as a financial services player, and Uday has become among the foremost people in financial services. And more importantly, it is also a victory for, in some sense, a victory for India, Indian entrepreneurship. It is just reconfirmation of the fact that we've built this company and got it to a stage as of today, and we're just on the right path, and we just need to continue doing what we've been doing on an ongoing basis. I am pleased to announce 2014 World Entrepreneur of the Year, Uday Kotak from India. I think you've really led the firm from the front. You've been a visionary. We look forward to you achieving more milestones
And as you achieve each one of them, I assure you, we will feel more proud about it. Uday, someone of your caliber, I would like to see you playing an important role at the national or at the international level. You should aspire to be the finance minister of this country. Take better care of his health, ease off a little bit on his work, spend less hours at office, and spend a longer time with Kotak. Congratulations, Sudhay. We are with you. Please be the lighthouse for all of us. There's a long way to go. Just keep going. Thank you for being our brand ambassador to the world. Lage raho, Uday bhai. The most important thing about entrepreneurship is having conviction. And once you're convinced that you have a business model and you're committed to superior execution, the rest follows. Chase a dream and, even more importantly, execute that dream. हमारे देश के विभिन्न शहरों की हाउसिंग सोसाइटीज में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चोरी, बच्चों की किडनैपिंग, सीनियर सिटीजन और महिलाओं पर हमले, ऐसे हादसों की खबर हमें आए दिन सुनने में आती रहती है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इन हादसों को अंजाम देने वाले मुजरिमों का कोई सबूत और सुराग कभी नहीं मिलता। ऐसे माहौल में क्या आपका परिवार सुरक्षित है और क्या आपकी हाउसिंग सोसाइटी सुरक्षित है? सारे तो इतने बड़े दरवाजे हैं, लोहे की सिक्के हैं और रात को तो वैसे ही सब बंद रहता है। हमें किस बात का डर है? हमारे पास वॉचमैन जी है। बिल्डिंग में लंबी दीवारें लगी हुई है, कोई मजबूत वॉल है और जाली भी ठीक तरह से लगी हुई लंबी है, तो हमारी फैमिली के साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी सोसाइटी की दीवारें 10-15 फीट से भी ऊंची है, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। क्या आपको पता है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में हर रोज तकरीबन 200 अनजान लोग आते जाते हैं? दीवार पर हर समय खतरे का साया मंडराता रहता है। क्या आप अब भी सोचते हैं कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी और आपका परिवार सुरक्षित है? Here goes your watchman. क्या आपको लगता है कि आपका वॉचमैन सोसाइटी में आते जाते हर एक पर नजर रख सकता है? तो फिर आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में सर्विलेंस कैमरा क्यों नहीं लगवाते? क्यों आप अपने परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन सा कैमरा चुने? How do we know the camera is actually functioning? जरूरत के टाइम पे अगर कैमरा नहीं चला तो ये कैमरा का रिपेयर और मेंटेनेंस कौन करेगा? We do not know the right price of such products. Zycom CCTV service आपकी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आपको ये बताया जाए कि आपको कैमरा और सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस और फंक्शनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी Zycom की है। क्या रात को ये कैमरा इफेक्टिवली काम करता है? कल को सिस्टम में कोई भी खराबी होती है तो सभी मेंबर तो हम ही को दोष देंगे ना। आप सिर्फ अपनी हाउसिंग सोसाइटी में सीसीटीवी सिस्टम लगवाने का फैसला कीजिए, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी Zycom की है। Zycom presents Make Your City Safe. Make Your City Safe initiative के द्वारा आपके शहर की सभी सोसाइटीज की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी Zycom लेता है। अपनी हाउसिंग सोसाइटी में सुरक्षा के लिए कौन सा कैमरा खरीदना है, कैसे खरीदना है और ऐसे अन्य कई सवालों की चिंता करने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। मेक योर सिटी सेफ इनिशिएटिव में आपको 30 दिन की रिकॉर्डिंग, केबलिंग, कैमरा व्यूइंग मॉनिटरिंग, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और फ्री इंस्टॉलेशन दिया जाएगा। क्या ये सही में हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, Zycom आपको फ्री रिप्लेसमेंट, फ्री मेंटेनेंस, फ्री सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, कमांड सेंटर सीसीटीवी मॉनिटरिंग, हार्ड डिस्क अलर्ट्स, फेलियर नोटिफिकेशन, कैमरा मास्किंग, इलीगल कैमरा टैम्परिंग, पावर केबल डिस्कनेक्शन और अन्य कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे आपका परिवार और हाउसिंग सोसाइटी रहे सेफ 24/7 365 डेज। क्या ये सब हमारे बजट में होगा? Zycom आपको सीसीटीवी सिस्टम और उसके इंस्टॉलेशन के लिए चार्ज नहीं करता है,
और आपको महंगे सिक्योरिटी सिस्टम खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हर महीने एक मामूली सी सर्विस फी देनी होगी, जैसे आप अपने वॉचमैन को मंथली सैलरी देते हैं। ज़ायकॉम आपका सिक्योरिटी चैंपियन है, जिसका लक्ष्य आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। एज ऑफ नाउ अभी एक साल हुआ हमें ज़ायकॉम लगा के, और पिछले एक साल में मेरे ख्याल से एक या दो इंसिडेंसेस अटेम्प्ट किए गए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। सो दैट इज़ बिग 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 अचीवमेंट। पीपल नाउ गेट स्केयर्ड टू अप्रोच दिस बिल्डिंग टू डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी बिकॉज एवरीवेयर यू हैव द बैनर्स पुट अप दैट दिस एंटायर सोसाइटी इज अंडर सर्वेलेंस। ज़ायकॉम कैमरा लगाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई वाज सिक्योर माय फैमिली। बट देन थैंक्स टू माय कमिटी मेंबर्स फॉर इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास फ्रॉम ज़ायकॉम। माय चिल्ड्रन फील सेफ एंड दैट मेक्स मी फील सेफर। हमारी सोसाइटी के बाजू में दे इन्वेस्टेड 7 लाख रुपीस। आज 7 लाख रुपीस का ब्याज पकड़ लो 1% से, तो हमारा उसमें तो कैमरा लग गए। नॉर्मल में तो बोला एक वॉचमैन के पगार के अंदर ज़ायकॉम पीपल आर गिविंग यू, व्हाई डोंट यू टेक द एडवांटेज। सिक्योरिटी बीइंग द मेन कंसर्न इन टुडेज वर्ल्ड, I think what service ZYCOM is providing is a boon.